सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्रवलदा भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री स्वर्गापवर्गते देवे नारायणे नमोस्तुते। कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शुभे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणि नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते भ्रमाणे रूपधारिणि कौशम्बः शरिके देवे नारायणि नमोस्तुते। त्रिशूल चंद्राधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते। मयूर कुकुटे महाशक्तिधर नदे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते।
शंख चक्र गदा शंख गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीत अग्र महाचक्र दष्टा धर वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपे नग्रेण हंतोद्यत्यांगिरोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिणी महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चेन्द्रे नारायणी नमोस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हतदत्त महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दशाकरारवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मंद्रमतने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुधे धुरे महाराते महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभावितामसि नीते त्वं ऋषिदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभ्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्तेवदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणि नमोस्तुते ज्वालाकरालमद्युग्रं अशेषासरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भेदे भद्रकाली नमोस्तुते ऋणस्ति चेत्तलेयांसि स्वनेना पूरिया जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुरा संग सापङ्कजर्जतश्चकरज्ज्वल शुभाय खल्गो भवतु चण्डिके त्वामृताभयम् अलोकानशेषान्नपहंसि दुष्टा वृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदनं प्रयाद्य धर्मां दिशां देवि महासुराणां रूपे अनेके बहुधात्वमूर्तिं हृत्वां विघेतत्वकरादिकान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगादन्यां मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ये तदतेव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागां यत्रारयोदस्य बलानि यत्र नावाननो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपास्य विश्वं विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयहारभेद नित्यं यथा सुरवधा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पाकपाकयनिताश्च महापसर्गान् त्वन्दानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामि ये लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगः वरं जन्मनश्चद त्वमृद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वैरिविनाशनं देव्यो वाच वेदश्रुयान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्योत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यैरोपेण रूपेण पृथिवीतले
अवतीर्यमिष्यामि व्यप्रलिप्ता सुदानवान् भक्ष्यन्ता सुतालोका व्यप्रलिप्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमेकुसुमापमाः ततो मां देवताः सर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुबन्धो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमा सम्भविष्यामि योनिया तदा शलेन नेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः तदहोमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः वरिष्यामि सुराक्षागैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्य महभुवि तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमो रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मा मुनिः सर्वे शोचन्ध्यानं रमोदयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा वृणाख्यस्त्रे लोके महाभाधं गमिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्गैषपदं त्रैलोक्यस्य ह्राताय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मा लोका सदा शोचन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीयाहं करिष्याम्यरे संशयम् ॐ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति की जा रही हूँ। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर मैं भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जय स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्तिपूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति
भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति कीजिए। मैं भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तम प्रभा मृगपदे स्कंधस्थिता कन्यालखेदस हस्ताधिरा सेविता हस्ते चक्र गदिघेद विशिका चापुनम तजने विभ्रमनलाम शशिधरा दुर्गा भजे। ओम दिव्योवाच एभिस्तवेशोषते यहाँ तस्याहं सकलां बाधा नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतत्तत्पदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकदशः शोषन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोद्धा न च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनम् शत्रुदोर्णाभयं तस्य तस्य दौवानरायतः न शस्त्रानलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतन्माहात्म्यं पठेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हितत् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिजमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नाथविमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजाया भक्तिकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चैतम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधापि निर्मुक्तो धनधान्य सुधामितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते नृभ्यः पुमान् ऋपः संशयं याने कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं वंशा माहात्म्यमवशेन्द्रतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःसप्तदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्रुया मम उपसर्गाः शमं याने गृहपीडाश्च दारुणाः दुःसप्नञ्जनिभिर्दृष्ट्वा सुसप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनिना मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् अरक्षोभूतविषाजानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे सदोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये अहर्निशम् अन्यश्च विविधे भोगे प्रदाने वत्सलेनया प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् सर्गे सुचरितेषु ते शुदं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुश्चदैत्यनिवारणम् तस्मिन् सुदे वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः सुयो याश्च ब्रह्मशिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिरावृतः शून्ये गृहेतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जागब्धवद्यो मन्थगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन सुतः पोते महानवे
पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे विषदारुणे सर्वाभासासु घोरासु वेदनाभरितोऽपि वा स्मरणमेतच्चैत्रं नरमुच्चैत सङ्कटात् मम प्राव सिंहादस्य वो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरस्तश्चरितं मम हरिषुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवाना तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारं यथा पुरा यज्ञभागभिरा सर्वे जग्रो विनिहतारयः दैत्या च देव्यान्यते शुम्भे देवरिवो युधि यगर्विध्वंसनीतस्मे महाघ्रेतलविक्रमे विशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययोः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कृते भूप जगता परिपालनम् तैयन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जायिताज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं देत सकलं ब्रह्माण्डमणियेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नाम सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भवे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भूयता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तदा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ अथ सद्यकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तमम् येन मन्द प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासोन च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिवीहतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वते मारणवाहनं वर्षं स्तम्भनजाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लूं ह्रूं क्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं शं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्धने नमः कैलवहारिण्ये नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने यागतुर्हि महादेवे यमासिद्धं कलश्च मे यैकारे सृष्टिरूपाय हैङ्कारे प्रतिपादिका क्लीकारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डकादे च एकारे वरदायिनि विच्चे चाभयथा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि डां ह्रीं धूं धूयते पत्नीं भां वीं हुं भागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं शुमै शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं जं भरादिनि ब्रां ह्रीं हुं भैरवे भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अं गं चं गं तं प्रं यं षं वीं दुं ह्रैं वीं हं षं धिया ग्रं प्रोरय तोरय दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा पामीं भुं बालधिपुनां ीं भुङ्गे जरे तथा सां श्रीं सों सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धैं कलश मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रया भक्तिहे तवे गभद्रेणेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नातस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा ॐ
अथ दुर्गा पद्मरष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्बे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगज्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नाथस्य दीनस्य धृषणातुरस्य भयातस्य भीतस्य वद्धस्य जन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्सारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्गते राजगेहे प्रभाते त्वमेकागतिर्देवि निस्सारहेतर् नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अपारे महादोस्तरे दन्तघोरे विपत्सागरे वाजतां देहभाजां त्वमेकागतिर्देवि निस्सारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चन्द्रिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्कण्डिताकण्डलाशेषशत्रोः त्वमेकागतिर्वेघसन्दोहर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ननेका क्रीडा क्रोधना क्रोधनेचा क्रीडाविङ्कलात्वं सुषुमनाजनाडि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमदादे सदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूतिः सदाङ्कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमयि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिरनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां विपदिगृहगतानां दस्युविश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद जय भगवती देवि नमो वरदे जय पापविनाशिनि बहुबलदे जय शुम्भरि शुम्भकपालधरे प्रणमामि तु देवि नराति हरे जय चन्द्र दिवाकर जय पारकभूषितवर्तहरि जय भैरवदेहनिलीन परि जय अन्धकरेत्य विशोषकरि जय महिष विमर्दिनि शूरकरि जय लोक समस्तक पापहरि जय देवि पे
क्षम्यतां परमेश्वरी।
पुत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे ज्ञानगतिं समवाप्नोति नाथं ब्रह्मादयासुरः सापराधोऽस्मि शरणं पापस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुगं व्योहं यथेच्छसि तदा कुरु अज्ञानाधिस्मृते भ्रान्त्या यज्ञोऽहम् अधिगमृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणर्चामि मां वृत्यः प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रेतं गृहाणस्मद्विदां जपं सिद्धे भवतु मे देवी पत्रसादात् सुरेश्वरी सच्यं ज्योतं भले मादादि सदा शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देन वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की स्तुति करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे मान्यता के इस समय 33 करोड़ देव देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं। और इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, उन्हें समस्त देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जिस आशीर्वाद से जो है वह साधक जन वह भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इन दिव्य पिंडों के सब नतमस्त होते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट सब दुख दूर होते हैं।
और उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिक शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ करने वाले शनोदलाती नेत्रों वाले एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि माँ आप हम शरणार्थ भक्तों का सब ओर से कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। बोलो सच्चे द्रव्य की जय। तो जय भगवती आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती के दरबार में इनके चरणों में जब भक्तजन आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, तो तीनों माता जो हैं हृदय से प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों का वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। माता महाकाली जिस शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रु का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं, शत्रु और विजय दिलाती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जिस शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, सर्वत्र जो भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महा सरस्वती ये शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं। इस प्रकार जब तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, तीनों शक्तियों की कृपा जो है इस मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। भक्तों को तीनों देवियों की जब कृपा प्राप्त होती है तो उसके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और ना ही जीवन में किसी प्रकार के किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा आती ही। वह जहाँ जहाँ जिस जिस कार्य के लिए जाते ही उन उन कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती ही। संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है वह अटल बनी रहती ही। इस लोक में बस समस्त सुखों का भोग करते हुए, पूर्ण राज्य का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक ये देवी के शरणागत होकर के भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ के नाम का जप, माँ की स्तुति ये अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। शिव पुराण में एक कथा आती है कि श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर जो है कैलाश पर विराजमान थी, भगवान शिव और माँ जगदम्बा माँ पार्वती जो है कैलाश पर विराजमान थे, तो एक दिन भगवान शिव जो है अपने गणों के साथ बाहर गए हुए थे और माँ जगदम्बा पार्वती जो थी वह अकेले बाहर विराजमान थी। उन्होंने जो है अपने तपोबल से एक बालक जो था उसका निर्माण किया। ऐसा प्रसंग मिलता है कि माँ पार्वती ने अपने शीर के मैल से जो है एक शिशु का जो है यहाँ उसे उत्पन्न किया और द्वार पर जो है उसे बिठा दिया कि इस द्वार के अंदर कोई भी ना पाए, आप पहरे के रूम में जहाँ पर खड़े रहना, कोई भी ऐसे बाहर रोकना, क्योंकि मैं स्नान गृह में स्नान कर रही हूँ। तो कहते कि जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी और उनके जो पुत्र जो थे वह द्वार पर जो है वह खड़े थे द्वारपाल के रूम में जो है, अब जो है कहते कि उसी समय भगवान शिव जो थे वहाँ पर आ पहुँचे। जब अंदर प्रवेश करने लगे तो उसने रोक लिया, जब रोका तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध हुआ तो उन्होंने जो है कि मेरे ही घर में जो है मुझे जो रोक रहा है कौन, तो त्रिशूल के द्वारा जो है उसका शीश जो था बैक काट दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान शंकर के अमोघ त्रिशूल से जो है पार्वती नंदन दंड पाणी का मस्तक जो था जे कट गया, तब पुत्र वसला माँ जगजननी शिवा जो थी अत्यंत दुखी हुई। पुत्र मारा गया और मारा भी किसने, पति ने, और माँ
का पुत्र जो है उसकी मृत्यु हो जाए तो माँ को कितना दुख होता है। इस प्रकार से माँ जगदम्बा जो जगजननी जो थी यह बड़ी दुखी हुई और इस प्रकार से उन्होंने जो है बहुत सी शक्तियों को जो है उस समय उत्पन्न कर दिया। ऐसे शक्तियों को उत्पन्न किया है, कहते हैं कि उनको उन शक्तियों को जो है माँ पार्वती ने आज्ञा दी कि आप प्रलय करो। प्रलय करने के लिए जो है आज्ञा दी, प्रलय मचाने के लिए। तो इस प्रकार से जब आज्ञा दी तो उन शक्तियों ने जो है सर्वत्र जो है संहार करना प्रारंभ कर दिया। त्रिलोकी जो है हिल गई और इस प्रकार से प्रलय का दृश्य जो है उपस्थित हो गया। सभी देवगण जग भरा गए, अब क्या होगा, प्रलय हो जाएगी, तीनों लोक में जो है इस प्रकार से हाहाकार मच गया। सभी भयभीत हैं, सब देव देवता जो हैं इस प्रकार से सब देवगण जो हैं अब जो है आहकार करने लगे। तब कहते हैं कि समस्त जो है जय भयनाशिनी जगदम्बा को जो है प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने उस समय जो है माँ की स्तुति की है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ की स्तुति की है, अब जो पुत्र मारा गया है प्रलय हो जाएगी, तीनों लोक ही नष्ट हो जाएंगे, माँ जो है रुष्ट हो गई है। कहते कि जय भगवती जो है प्रसन्न होने पर तुष्ट होने पर सब उससे कल्याण को देती हैं, सुख देती हैं, आनंदीनंद देती हैं, सर्वत्र मंगल मंगल करती हैं। और जब जय रुष्ट हो जाती है, कुपित हो जाती हैं, तो जय विनाश का कारण बन जाती हैं। आई माँ जय देवता पर जय रुष्ट हो गई, सभी देवता घुराए हैं, क्या करें, माँ की स्तुति करते हैं परंतु स्तुति से ही प्रसन्न कैसे हो जब तो पुत्र जीवित न हो। कहते उस समय सब देवगण जो है उत्तर दिशा की ओर गए। उत्तर दिशा में जो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो है उत्तर की ओर जो सिर कर करके वह सोया हुआ था, सो रहा था, तो उसका मस्तक काट करके जो है वो वह मस्तक, हाथी का मस्तक जो है अब उस बालक के धड़ के साथ जो है जोड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और भगवान शिव के तेज से जो है वह बालक जीवित हुआ, जिससे वह गजानन जो है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। गणपति गणेश महाराज की जय। तो भगवान गणेश गजानन जो है यह जो है हाथी का सिर उन्होंने लगाया, इसलिए उत्तर दिशा की ओर जो सिर करके कभी सोना नहीं चाहिए, ये वर्जित है। अब जो है कहते हैं कि उत्तर दिशा से हाथी का सिर जो है ला करके जो है शिवा पुत्र के धड़ के जो है उसके साथ जोड़ दिया, और जो है महेश्वर के तेज से जो है पार्वती का पुत्र जो है जो जीवित हो गया। जब पुत्र जीवित हुआ तो माँ जो थे अपने पुत्र गजमुख को जो है इस पर जीवित देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा दृश्य आए कि पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर ऐसी कृपा हो जाए कि वह पुत्र जीवित हो जाए, तो उस माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, अद्भुत खुशी होती है। तो माँ जगजननी जो थे, त्रिलोक जननी जो है, त्रिलोक की रचयिता जो है अत्यंत प्रसन्न हुई, देवताओं पर इस पर प्रसन्न हुई। उस समय दयामयी पार्वती को जो है प्रसन्न करने के लिए जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है तीनों देवता जो है सभी ने जो है माँ के सभी देवताओं से जो है माँ की स्तुति की है, और कहते हैं इस प्रकार सभी देवताओं ने जो है भाई गणेश को जो है सर्वाध्यक्ष जो है सभी घोषित कर दिया। सर्वाध्यक्ष जो है कि अत्यंत प्रसन्न देवाधिदेव महादेव ने जो है अनेक भर प्रधान करते हुए जो है उनको विघ्न नाशक के कार्य के लिए कहा कि तेरा नाम जो है सर्वश्रेष्ठ होगा और तू जो है सभी गुणों का अध्यक्ष जो है ये होगा। इसलिए गणेश जो है भगवान शिव ने कहा कि मेरे जितने भी गण हैं उन समस्त गणों का आप जो है अध्यक्ष होंगे, सबसे श्रेष्ठ जो है उच्च पद जो है ये गणेश जी को प्राप्त हुआ, और किसी भी कार्य के लिए पूजा में सब देवताओं से पहले आपकी पूजा होगी, आप प्रथम पूज्य होंगे। ऐसे अनेक वरदान जो है भगवान शिव ने सभी देवताओं ने जो है जय गणेश जी को दिए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। विघ्न नाश कार्य के लिए जो है इस प्रकार तेरा नाम जो है सर्वश्रेष्ठ होगा, तो इसलिए कोई विघ्न बाधा दूर करवाने करने के लिए जो है कभी जीवन कष्ट आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो गणेश के नाम का जप जो है ये अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार देवताओं ने जो है जे सबसे श्रेष्ठ पद जो है गणेश जी को दिए हैं, और गणों का अध्यक्ष जो है इन्हें बनाया, इस तिथि इनकी चतुर्थी तिथि जो है ये प्रधान तिथि ही। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की, सृष्टि के बाद जो है इन्होंने गणेश का स्मरण किया था।
जब गणेश का स्मरण किया तो चतुर्थी देवी जो थे कहते हैं एक अद्भुत जो है देवी का प्रादुर्भाव इनके शरीर से हुआ था। वह देवी कैसी थी जिसके चार मुख थे, चार हाथ थे और चार ही पैर थे, जिसका नाम जो था ब्रह्मा ने जो है चतुर्थी रखा। चतुर्थी जो है जय गणेश की प्रधान तिथि है और कहते हैं जी चतुर्थी देवी जो है समस्त तिथियों की जननी है। इसी से जब समस्त तिथियों का प्रादुर्भाव हुआ था, कहते हैं जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तो इसका वामंग जो था जो काले रंग का हो गया और दायां भाग जो है शुक्ल श्वेत श्वेत वर्ण का हुआ। तो इस प्रकार से अब जो है यह वाम भाग से जो है कृष्ण पक्ष की तिथि और दायां भाग से जो है शुक्ल पक्ष की तिथि जो है इनके शरीर से प्रादुर्भाव जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी और इसलिए जय भगवान गणेश की चतुर्थी तिथि के नाम से ही जय प्रसिद्ध हुए, इसका नाम ब्रह्मा ने चतुर्थी रखा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करने से पहले जो है भगवान गणेश का स्मरण किए जाते हैं और जहाँ पर जब माँ के दर्शनों के जहाँ पर जब आते हैं तो जहाँ पर देखी गुफा द्वार में प्रवेश करने से पहले बाई तरफ जो है गणेश जी के दर्शन है। पुजारी जी जब पूजा करके इस द्वार पर आते हैं तब जो है सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। ऐसी आकृति जो बनी हुई है सुंडाकार है, पूरी सूंड बनी हुई है और जो है बड़े बड़े कान हैं, नेत्र हैं, मस्तक है, ऐसा जो गणेश जी पूरी आकृति सामने बाईं तरफ बनी हुई है, इन्हीं के सामने सूरज है, चंद्रमा है, उनका पूजन किया जाता है, अखंड ज्योति का पूजन होता है। सामने आपको जो है भैरवनाथ का धड़ जहाँ पर गिरा हुआ है, शीश जहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी है वहाँ पर गिरा हुआ है, जिसके ऊपर से जो है भक्त जो रेंगते हुए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गुफा के अंदर प्रवेश करते ही जो है बाईं तरफ जो है हनुमान जी के दर्शन हैं, क्योंकि हनुमान माँ के साथ साथ चलते हैं। प्रहरी के रूप में जो है माँ ने आदेश दिया था कि आप जहाँ पर प्रहरी के रूप में जहाँ पर विराजमान रहना, कोई भी जहाँ पर आ ना सके। तो इस प्रकार से जब जोगी भैरवनाथ माँ का पीछा करता हुआ इस गुफा द्वार पर आ गया था तब जो है हनुमान जी ने उसे रोका, रोकने से नहीं रोका तो जो है उस समय हनुमान जी के साथ उसका युद्ध हुआ था। तो सारी लीला माँ जो है अपने जोग द्वारा देख रही थी तो जो है उस समय कहते हैं कि माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी भाग गिरा हुआ है, धड़ आपके सामने गुफा द्वार पर जो है गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है। तो कहते हैं कि उस समय जोगी भैरवनाथ जी ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए माँ से क्षमा प्रार्थना की थी, क्षमा याचना की कि माँ मैं पापी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका, माँ मुझे क्षमा कीजिए, आने वाले लोग जो है आने वाले समय में जो यात्री लोग जब आप आएंगे तो मुझे पापी कहेंगे, मुझे क्षमा कीजिए। तो उससे माँ ने जो योगी भैरवनाथ का वरदान दिया था, कहा था कि आपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ, वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार बार तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। इसलिए इससे सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब विशुद्ध मन से माँ के दरबार में आकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता है, अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए मुझसे अपराध हुए हैं, एक नहीं अनेक अपराध हुए हैं, तो माँ से क्षमा याचना करता है और आगे के लिए जो प्रार्थना करता है कि माँ मुझ पर ऐसी कृपा करो, ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता हुआ आपके चरणों की भक्ति करता हुआ मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी भक्तजन जो है माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भी भक्तजन जो है माँ भगवती की आराधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन तीनों देवियों के उन पर पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता।
तो आप सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे और अपने जीवन में ऐसा निजम बना लीजिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है इस मंत्र की एक माला जप जो है अवश्य करें। और जब माँ के विशेष दिन होते हैं अष्टमी नवमी चतुर्दशी और नवरात्र के दिन जो है उनमें विशेष जो शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय के दिन होते हैं उसमें इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं कहते हैं कि उस समय कि वह जप जो है उसका अक्षय फल होते हैं उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो उसमें जितना जप हो सके वह जप करें और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 तभी भजन की बेलन आवेदन करना श्री सूर्य जी से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्त में सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हैं श्री सूर्य जी। जय करा मेरे शिरोमणि मैया जी का मा जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या हो जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या होगा जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या होगा जगदम्बे दर्श अपना दिखा
बस धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ मत ही बदल जाए, ओ मैया तेरे चरणों की।
बस धूल जो मिल जाए
किस्मत ही बदल जाए सच कह दरबार की जय। तभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जय कर शरवण बोल सच्चे दरबार की जय। तू दाता त्रैलोक्यमान तू दाता त्रैलोक्यमान तू दाता त्रैलोक्यमान तू दाता त्रैलोक्यमान तेरा दर छोड़ केड़े दर जा तेरा दर छोड़ केड़े दर जा तेरा दर छोड़ केड़े दर जा चौथे चारे युग दया में चौथे चारे युग दया में द्वापर त्रेता सतयुग कल युग द्वापर त्रेता सतयुग कल युग द्वापर त्रेता सतयुग कल युग भक्ता दे भंडार भरा दूरा दा त्रेलो दिमा दूरा दा त्रेलो दिमा दूरा दा त्रेलो दिमा पंज में तुझको धन भजन करन को वाको दीना भजन करा तू दादा त्रैलो तू दादा त्रैलो तू दादा त्रैलो तू दादा त्रैलो तेरा दर छोड़ केड़े दर जा 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 तू दादा जय
जय करा मेरी शरवनी मैया जीदा बोल सच्चे दरबार की जय मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की लेना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की लेना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की लेना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के की ओ मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के की ओ मेरी माँ जगदम्बे दे द्वारे जेड़ा भुल के भी कुंवारी आ जाता मेरी माँ जगदम्बे जग बिच सब कुछ पा जाना ओ जग बिच सब कुछ पा जाना ओ जग बिच सब कुछ पा जाना ओ जेड़ा दिल च बसा के मैया नू ओदे प्रेम दी जोत जगा लैंदा जेड़ा दिल च बसा के तो किनारा पालेना ओ दुनिया तो किनारा पालेना ओ दुनिया तो किनारा पालेना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की ओ सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी माँ का द्वारा एक पास सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी माँ का द्वारा एक पास हो दुनिया दे नजारे एक पास मेरी माँ का नजारा एक पास हो मेरी माँ दिल दा किनारा एक पास हो मेरे दिल दा किनारा एक पास मेरे दिल दा किनारा एक पास हो मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के जगत मनाया नहीं जाना सतो जगत मनाया नहीं जाना सतो जगत मनाया नहीं जाना मेरी माँ
जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के की रहो जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के हो इस प्रेम दबाना सौखा नहीं जिंद तरी ते तरनी ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਮਾ ਗੱਲ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਹੋਨੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਮਾਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਾਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਗੀਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਗੀਰ ਹੋ ਅਸਾ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ 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 ਕੇ ਗੀਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਤਤ ਹੈ ਮਰਚ ਰਾਮ ਰਹਿ ਚੰਦਰ ਭੰਨੇ ਨੇਤਰਾਮ ਦਣੋ ਸਰ ਜੋਤਾ ਕੁਛ ਮਾਸ ਸੋਲਾ ਰਮੇ ਰਭੁਜ ਸਦਦਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਰੂਪਾ ਕਾਮੇਸ਼ਰੇ ਮ੍ਰਿਦ ਭੁਜਾ ਮਿਦ੍ਰਤੇ ਦੁਲੇਖਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਸੀ ਆਪ ਭਗਤ ਜਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੀ ਜਬ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਆਪ ਸਭ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान सस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूर भूत करण दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैर्य दर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देस्त शरीर वर्चस आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों के दीर्घायु करें आपका सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोलो सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी
ओ मैया जी को सदन ध्यावत पावे ओम जय अम्बे लो
मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गरनी मैया जी को दिन ध्यावत खाली ब्रह्मा सचिय ज्योता वाली माता तेरी सदा जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे धर्मारती तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे प्रेम से बोला जय माता दी सुन बोला जय माता दी जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, समिल कर बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। जो चरणा दा ध्यान जय मां
चक्कर शेरवाली जी दा अभी बहुत जहन ही निकली ओ चाचे दरबार की जय। आपका साथ सभी ने दिया लेकिन आप सभी मिलके और दिल से जयकारा बोला कीजिए। जय मां अंदर जाए,
जयकारे के रूप में बाहर आए, ऐसी आवाज के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो आप जयकारा लगाओगे वो जयकारा मां से आशीर्वाद लेता हुआ पूरे देश भर में, पूरे ब्रह्मांड में शांति लेके, तरक्की लेके सारे देश में जाएगा। आज आप जहां बोल रहे हो, कल यही आशीर्वाद आपको घर तक मिलेगा। आप सभी आरती देखते हैं ना, सभी को आरती का आनंद आता है। आज आया सभी को आरती का आनंद, किसी को आया, किसी को एक ही स्वर में सभी को आरती का आनंद आया। ऐसे माता रानी जी आनंद आपके जीवन में बार बार लाती रहे। जिस विश्वास, जिस लगन के साथ आप जहां पर आए हैं, जगत जननी माता रानी वो आपका विश्वास, वो हाजिरी कबूल करें, वो अरदास आपकी कबूल करें, क्योंकि जहां पर बैठ के मां से हम विनती ही कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ जोड़ने से वो देखिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो माता रानी आपकी वो इच्छाएं पूरी करेगी। आप घर से चलते हो तो अपने मां बाप आशीर्वाद लेके निकला कीजिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकला कीजिए, क्योंकि उस सीट पर कल आप बैठोगे तो आपके बच्चे आपसे आशीर्वाद लेंगे। अगर आज आप नहीं लोगे तो कल वो आपसे भी। इसलिए ऐसी संस्कृति अपने देश में जो है वो है प्यार से भरा हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। हमारा देश हर कोई जुड़ा हुआ है। वो ये जुड़ने वाली बात, आप अपने परिवार के साथ जुड़िए, मां के साथ जुड़िए, अपने श्राइन बोर्ड के साथ जुड़िए। जब आप मां से प्रार्थना करोगे, अपने लिए मांगोगे तो अपने श्राइन बोर्ड के लिए भी मांगा कीजिए। जी आपका श्राइन बोर्ड है जो आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है ताकि कोई भी तकलीफ आपको ना हो, और इसमें बहुत सा सहयोग आपका भी रहता है, क्योंकि आप पवित्र मन लेके जहां आते हैं और हम तो उनकी भी हाजिरी लगाते हैं, जो ऑफिसर, जो राज्यपाल जी जहां पर सेवा करके गए हैं और ऐसी रूटीन बांध के गए हैं कि ये सेवा आपको तरक्की के रूप में मिलती रहे बार बार। और आज स्पेशल आप अपने श्राइन बोर्ड के लिए भी मांगिए, क्योंकि अभी तो पिछले महीने आपको बहुत तोहफे मिले हैं। एक तोहफा आपकी सेवा में एक और श्राइन बोर्ड ने दिया, वो आपके लिए जो भंडारा लंगर लगाया नए ताराकोट में, वो भंडारा आपके लिए है। लगता है खुशी नहीं हुई, क्योंकि जब खुशी तरक्की होती है, ये तो देखो ये तो अपने आप निकलनी चाहिए, मुझे तो बुला बुला के निकालनी पड़ी, क्योंकि आपकी तरक्की आपकी गाड़ी है, मेरे लिए नहीं बजा रहे, आप अपने लिए बजा रहे। और वो जो लंगर है, वो लंगर आपकी सुविधाओं के लिए खोला है, पहले भी खुला था लेकिन बंद हो गया। फिर अच्छी सोच और अच्छी सुविधा के साथ खुला है। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं, जो आज जहां बैठे हैं घरों से सुन रहे हैं, आप अपने उस लंगर को कामयाब कीजिए जो श्राइन बोर्ड ने खोला है, क्योंकि भंडारा तभी चलता है जब उसमें तीन बातें हों, तन मन और धन। आप अपने तीनों से मां के दरबार में आते हैं तो जब आप घर में होते हैं, जब आपके घरों में मां खुशियां देती है,
आपका जन्मदिन होता है, माता पिता की, आपकी एनिवर्सरी, जहां कोई भी ऐसा खुशी का मौका, आप वहां से श्राइन बोर्ड के नाम का, लंगर के नाम की पर्ची काटा कीजिए। देखिए आप घर में होंगे और आपका भंडारा जहां चल रहा होगा, और वहां पर उसकी आप जब जाओगे बहुत ही जिन्होंने खाया सभी यही कहते हैं बहुत स्वादिष्ट भोजन होगा। क्यों नहीं, वो मां का भंडारा है। इसलिए जब आप अपने घर से उसकी रसीद देखना, उसके कुछ नियम हैं जो बनाए हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे कि आप कैसे उसमें दान दे सकते हैं। आप उसमें पूरी जिज्ञासा के साथ जुड़िए और पूरे दिन का लंगर चलाओगे तो वहां पर आपका नेम, वहां जो स्क्रीन लगी है वहां चलेगा और व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास जाएगा। आप देखिए घर में, इससे ज्यादा फेयर डील कुछ नहीं हो सकता। आप जुड़िए इस भंडारे के साथ, श्राइन बोर्ड के साथ। अभी तो आपको देखिए बहुत से तोहफे देने हैं, बहुत से तोहफे और जल्दी जल्दी देने हैं। आप सिर्फ मां के पास जल्दी जल्दी आया कीजिए और तन मन धन के साथ अपने श्राइन बोर्ड की सेवा कीजिए। तन की सेवा आपकी कैसे चाहिए कि जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, साफ सफाई जरूर रखें, कोई प्लास्टिक वगैरह अपने साथ मत लाएं। कोई भी आपको ऐसी चीज मिलती है जहां आपको लगता है मां का, जे आप में मां का घर है, हर जगह डस्टबिन लगे हैं, उनको यूज कीजिए। गिले वस्त्र स्नान घाटों में मत छोड़ा कीजिए। अगर आपको किसी तरह का किसी ने बोला है कि वस्त्र नहीं उठाने हैं, हम आपको वो भी इच्छा को नहीं रोकेंगे, लेकिन अपने गिले वस्त्र अपने डस्टबिन में डाला कीजिए ताकि जब आप हक के जाते हैं तो दूसरा जाए तो उसको साफ सुथरा मिले, जब आपका नंबर आए आपको साफ सुथरा मिले। ये कुछ बातें हैं जो चलती रहेंगी। आज मैं आपके लिए यही था कि ये जो भंडारा शुरू किया, आप सभी जुड़िए अपने श्राइन बोर्ड के साथ और देखिए इसकी तरक्की आपको कैसे, जिस विश्वास के साथ आप आते हो, जिस विश्वास के साथ श्राइन बोर्ड बना, उस विश्वास के ऊपर वो पूरा खरा उतर है। अभी तक हर जगह में सफाई में देखिए अभी नंबर वन आया है। अभी आपकी सुविधाओं में थोड़ी सी कमी है, वो भी आने वाले वक्त में आपको तोहफा मिलने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता आप जुड़ते जाइएगा, माता रानी आशीर्वाद देती रहेगी। सिर्फ जब आप दरबार में आओगे तो अपने माता पिता का और अपने बड़ों का आदर करते हुए आइए, प्रणाम करते हुए आइए ताकि आपको हाजिर हो। आप सबको समय हो गया, सभी का दिल इस वक्त गुफा की तरफ। शास्त्री जी ने इतने अच्छे अच्छे आपको प्रवचन दिए और इतने इतने अच्छे आपको भजन कराए, भजन आप सबने गाए, लेकिन आज मेरे साथ सभी मिलके बोलना, हाथ जोड़कर इस दिल के साथ माता रानी के पास जी प्रार्थना, जो हम कर सकते हैं सिर्फ यही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के मां से विनती कर सकते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए। ऐसी दर्द भिखारी हाँ, मायनी हाथ जोड़ खड़े, ऐसी दर्द भिखारी हाँ, मायनी सैनू चरनाच मिल जाए था, सैनू चरनाच मिल जाए था, मायनी हाथ जोड़ खड़े, असी दर्दे भिखारी हाँ, मायनी हाथ जोड़ खड़े। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को आशीर्वाद, माता रानी ढेर सारी खुशियां दे, झोलियां खुशियों से भरे,
हाजरी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से अपने दरबार में बुलाए, पूरे जोश के साथ, लहर के साथ जयकारा बोलिए, आपका जयकारा पूरे देश में जाएगा। जो मैंने पहले बोला, सभी मिलके और गज के बोल रहे हैं, बोलो सच्चे